हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग चैप्टर 3.4 मैपिंग आवर नेबरहुड पढ़ेंगे और इसका एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे। और ये चैप्टर है क्लास 4 का। तो मैपिंग आवर नेबरहुड, मैपिंग का मतलब होता है मैप करना, डायरेक्शंस का पता करना, एस्टिमेट करना कितना दूर क्या है, कौन सा चीज़ हमारे नेबरहुड में कितने दूर है। और नेबरहुड का मतलब है हमारा पड़ोस, हमारे आस पड़ोस। नेबर का मतलब होता है हमारे बगल में जो रहते हैं, पड़ोसी। और नेबरहुड का मतलब हमारा पड़ोस। तो पड़ोस में क्या है, कितने दूर पे है, उसका डायरेक्शंस कितना है, कितना कितना किलोमीटर या कितना मीटर की दूरी पर है, डिस्टेंस हम लोग एस्टिमेट करते हैं, तो इसको मैपिंग करना कहते हैं। व्हाट इज़ मैप, इसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो मैप हम लोग देखेंगे कि क्या होता है, मैप से हम लोग कैसे पता करेंगे कि कौन सा जगह कहाँ पे है, ठीक है। मैप बेसिकली एक ड्राइंग की तरह होता है जिसमें सारे डायरेक्शंस वगैरह दिए हुए रहते हैं, सारा सिंबल साइंस दिया हुआ रहता है, किधर से जाना है, कैसे उस डायरेक्शन पे पहुंच पाएंगे, सब कुछ दिया हुआ रहता है। तो हम लोग डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैपिंग आवर नेबरहुड, लुक एट द पिक्चर्स गिवन अलॉन्ग साइड, ये सब पिक्चर्स दिया हुआ है। तो ऐसा कुछ शॉप्स या फिर ऐसा कुछ टेम्पल्स, स्कूल्स, ये सब है। इट शोज़ राहुल्स हाउस एंड हीज नेबरहुड। ये क्या दिखाता है, ये सब राहुल का घर दिखाता है, ये समझ लो राहुल का घर है। और राहुल के घर के चारों तरफ या आसपास उसके पड़ोस में ये सब है, दुकान है, शॉप्स है, ये सब, ठीक है। There are many places in his neighborhood, such as post office, market, hospital, school, temple, etc. तो नेबरहुड में, राहुल के नेबरहुड में, उसके पड़ोस में बहुत सारा चीज़ है, जैसे पोस्ट ऑफिस है, मार्केट है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, टेम्पल है, इट इज़। By going to these places, he knows their location. ठीक है, जब वो जाता है यहाँ पे, तब उसको उसका लोकेशन का पता चलता है। लोकेशन माने उसका ठिकाना पता चलता है, किधर है, किस साइड है। बट वॉट हैपन्स इफ़ ही वॉन्ट्स टू गो टू अ प्लेस विच ही हैज़ विजिटेड बिफोर। तो उस तब क्या होगा, जब वो कोई जगह बहुत पहले गया हुआ है, फिर से उसको अगर जाना है तो वो कैसे जाएगा। तो जैसे हॉस्पिटल जाना हो, पहले एक बार गया है या फिर अभी कैसे जाएगा। यहाँ पर राहुल्स का होम है, तो उसको ऐसा रास्ता ऐसा करके दिखाया गया यहाँ पे, सब जगह का, पोस्ट ऑफिस का रास्ता, स्कूल का रास्ता, उसके घर से टेंपल का रास्ता, तो वो कैसे जाएगा। द बेस्ट वे टू रिमेंबर सच प्लेसेस इज टू लुक फॉर सम लैंडमार्क्स सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, बिग ट्री, साइन बोर्ड, टॉल बिल्डिंग्स, पार्क्स, टेंपल्स, मॉन्यूमेंट्स, ETC। तो ये सब जगह को याद कैसे रखेगा, अगर कहीं वो पहले गया हुआ है, फिर से उसको जाना है, तो हम लोग कैसे याद रखते हैं, कोई लैंडमार्क से याद रखते हैं। लैंडमार्क का मतलब क्या होता है, लैंडमार्क का मतलब होता है कोई चिन्ह, कोई पहचान, कुछ हम लोग याद रखेंगे कि हम लोग पोस्ट ऑफिस जाने के रास्ते में एक राइट टर्न है, फिर वहाँ पे एक शॉप है, या फिर वहाँ पे एक बिग ट्री है, ऐसे करके कुछ हम लोग याद रखते हैं जब कोई प्लेस को याद रखना होता है। तो वो जो प्लेसेस है उसको लैंडमार्क बोलते हैं, किसके नज़दीक में। जैसे हम लोग एड्रेस देते हैं अपने घर का, तो वहाँ पे लिखते हैं ना, नियर काली मंदिर, नियर साई टेंपल, या कुछ भी, या नियर द चर्च, कैथोलिक चर्च। तो वो क्या हुआ, वो लैंडमार्क हुआ, कोई भी चिन्ह या कोई भी पहचान जो सब कोई को पता हो, उसको लैंडमार्क बोलते हैं। लैंडमार्क्स आर रेफरेंस और पॉइंट्स दैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस वी वॉन्ट टू रीच। तो लैंडमार्क हम लोगों को क्या करता है, लैंडमार्क एक रेफरेंस पॉइंट है, पहचान की जगह है, जो हम लोगों को हेल्प करता है कोई पर्टिकुलर जगह पे पहुंचने के लिए, रीच करने के लिए, ठीक है। जैसे आपका घर मुझे रीच करना है, आपका घर को पहुंचना है, तो आप मुझे बताएंगे कि आपके घर के पास कौन सा लैंडमार्क है। शायद आपके घर के पास कोई क्रिकेट ग्राउंड है, तो आप ये बोलेंगे कि बिहाइंड द क्रिकेट ग्राउंड, नियर द क्रिकेट ग्राउंड माई हाउस इज़ लोकेटेड। तो क्रिकेट ग्राउंड आपका लैंडमार्क हो गया। या आपके घर के पास कोई कैथोलिक चर्च है या फिर कोई टेम्पल है, तो आप बोलेंगे कि नियर शिव मंदिर,
नियर काली मंदिर, तो वो काली मंदिर या फिर चर्च जो है, ये सब क्या हो गया, लैंडमार्क हो गया हमारे घर के लिए, जो हमारे घर को पहुंचने में इजीली हेल्प करेगा किसी को। अ स्केच इज अ ड्राइंग ऑफ अ प्लेस। स्केच क्या होता है, एक ड्राइंग होता है प्लेस का। इट यूजुअली हैज सिंबल्स टू रिप्रेजेंट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। एक स्केच जो होता है वो ड्राइंग होता है, कोई जगह का हम लोग ड्राइंग करते हैं और उसमें सिंबल्स दिया हुआ रहता है जो इम्पॉर्टेंट होता है, और इम्पॉर्टेंट प्लेसेस को दिखाया जाता है सिंबल्स के थ्रू स्केच में। उसके बाद है हम लोग डायरेक्शंस पढ़ेंगे। डायरेक्शन, दिशा जिसको हिंदी में बोलते हैं। डायरेक्शन कैसा होता है, डायरेक्शन हम लोग सुने होंगे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप लोग सुने होंगे। तो ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है, कैसे पता चलेगा? तो हम लोग जब ऐसे खड़े होते हैं तो जिस साइड में सन, हम लोगों को इतना पता है कि सूरज जिस साइड में उगता है वो है ईस्ट, जैसे यहाँ पे ईस्ट दिया हुआ है, तो इस साइड में सूरज, सुबह का सूरज जो है वो इधर उगता है, ठीक है? तो इस साइड में आपको राइट हैंड करके, आपका राइट हैंड इधर होना चाहिए, राइट हैंड इधर करके आपको खड़े हो जाना है। तो हम लोगों को पता है कि सन जो है वो ईस्ट में होता है, तो ईस्ट में क्या है ना, राइट हैंड इधर खड़े कर दिए, राइट हैंड के तरफ ईस्ट है क्योंकि इधर सूरज उगता है, और राइट हैंड के ऑपोजिट में ठीक वेस्ट होगा लेफ्ट हैंड में, और ऊपर के तरफ नॉर्थ होगा हेड के तरफ, और नीचे के तरफ साउथ होगा। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, और हमारे सामने की तरफ, अगर पिक्चर में ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, अगर पिक्चर में ड्रॉ कर रहे हैं तो हेड के ऊपर में से नॉर्थ लिखना पड़ेगा और नीचे में साउथ। लेकिन अगर जब आप रियली अगर खड़े होंगे, आप खड़े होकर के अभी देख सकते हैं सूरज आपको किस साइड में उठता है वो आपको पता होगा, तो उस वही साइड ईस्ट है, तो उस साइड में आप लोग अपना राइट हैंड को खड़ा कर दीजिए लेकर के, इस बच्चे की तरह। तो आपके राइट हैंड की तरफ ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड की तरफ आपका वेस्ट होगा, और आपके चेहरे के सामने का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ होगा, और आपके पीछे के डायरेक्शन जो है वो साउथ होगा। वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि स्ट्रेच योर आर्म्स इन सच अ वे दैट योर राइट आर्म पॉइंट्स टुवर्ड्स द मॉर्निंग सन। इवनिंग सन नहीं, मॉर्निंग का सन जिधर उठता है वो ईस्ट होता है, तो उस साइड में अपना राइट हैंड करना है। योर राइट आर्म इंडिकेट्स ईस्ट एज सन राइजेज इन ईस्ट, योर लेफ्ट आर्म इंडिकेट्स वेस्ट और नॉर्थ इज फ्रंट। तो हमारे चेहरे के सामने वाला जो डायरेक्शन है, हमारे चेहरे के सामने नॉर्थ हो गया, और हमारे चेहरे के पीछे, पीछे साइड जो है वो साउथ हो गया, बिहाइंड, बिहाइंड माने पीछे। देयर आर फोर मेन कार्डिनल डायरेक्शंस, तो चार कार्डिनल डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। देयर आर फोर सब डायरेक्शन और इंटर कार्डिनल डायरेक्शन, तो सब डायरेक्शन मतलब इसका छोटा डायरेक्शन भी है, जिसको बोलते हैं इंटर कार्डिनल। नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट। तो ये कहाँ पे होता है, मैप ऑल्सो शोज डायरेक्शन, और मैप के जरिए हम लोग डायरेक्शन भी देख सकते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट किधर होगा, जैसे ये नॉर्थ है आपको दिख रहा है, ये क्या है ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच में अगर यहाँ पे कोई किसी का घर है, यहाँ पे किसी का घर है मान लो, तो ये किस डायरेक्शन में, ना ईस्ट में है ना ही नॉर्थ में है, तो ये बीचों बीच है, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, इसलिए ये डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट। और ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ है यहाँ पे वेस्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट, और इसमें क्या क्या दिया गया है इंटर कार्डिनल में, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट। हाँ ये तो नॉर्थ वेस्ट है, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। फिर साउथ के साथ में ईस्ट के तरफ, यहाँ साउथ है इधर ईस्ट है, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट, ये देखिए साउथ ईस्ट लिखा हुआ है। फिर ये साउथ है और ये वेस्ट है, तो साउथ और वेस्ट के बीच का डायरेक्शन क्या हो जाएगा साउथ वेस्ट, ठीक है? तो ऐसे डायरेक्शन आप लोग समझ गए होंगे, चार डायरेक्शन हो गया, कार्डिनल डायरेक्शन हो गया ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और इंटर कार्डिनल डायरेक्शन हो गया नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट, ठीक है? ये सब सब डायरेक्शन। तो व्हाट इज मैप, अभी मैप पढ़ेंगे। मैप क्या होता है, अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया और पार्ट ऑफ इट ऑन अ सरफेस। जब हम लोग पेपर पे कोई ड्राइंग करते हैं तो कोई एरिया का जब ड्राइंग होता है,
एरिया को दर्शाया जाता है पेपर पे, तब वो मैप कहलाता है उस ड्राइंग को। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एटलस। ये याद रखना है आपको कि एक बुक होता है जिसमें सिर्फ हर एक पेज में मैप ही मैप दिया हुआ रहता है, तो पूरा बुक जो होता है मैप का उसको एटलस बोलते हैं, ATLAS, एटलस। मैप शोज डिफरेंट कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशन, डेजर्ट्स। मैप में हम लोग कंट्रीज देखते हैं, रिवर देखते हैं, माउंटेन देखते हैं, ओशन देखते हैं, डेजर्ट देखते हैं। द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प्स अस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। और मैप में एक स्केल होता है, ठीक है, जो कॉर्नर में दिया हुआ रहता है मैप का, तो वो स्केल हम लोगों को हेल्प करता है कि दो डिस्टेंस, दो प्लेस के बीच का डिस्टेंस कितना है उसको फाइंड करने में। ओके, यूजिंग द स्केल वी कैन मेजर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो मैप के अंदर कोई दो पॉइंट है, मैप के अंदर कोई दो पॉइंट है, तो उस दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, स्केल को यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। अ स्केल इज ऑलवेज गिवेन इन द कॉर्नर ऑफ द मैप। मैप के कॉर्नर में स्केल मिलता है हमेशा। वॉट इज लैंग्वेज ऑफ मैप। मैप का लैंग्वेज क्या है? उसमें तो पिक्चर बना हुआ रहता है, तो हम लोग कैसे समझेंगे लैंग्वेज है कि नहीं है, क्या है लैंग्वेज? लैंग्वेज ऑफ अ मैप रेफर्स टू थिंग्स लाइक साइन, सिम्बॉल्स, कलर्स एंड मैप स्केल्स विच हेल्प अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मैप। तो मैप को पढ़ने में, मैप को समझने में जो कुछ भी चीज़ें हमारी मदद करती है, जो कोई भी हमको मदद करता है मैप को पढ़ने में और अंडरस्टैंड करने में, उसको हम लोग लैंग्वेज ऑफ द मैप बोलते हैं। तो लैंग्वेज ऑफ द मैप हम लोगों को हेल्प कौन करता है? साइंस, सिम्बॉल्स, कलर्स, मैप स्केल, ये सब के बिना हम लोग मैप को पढ़ नहीं सकते हैं। साइंस, कोई चिन्ह, कोई निशान, ये सब जो है, कलर, मैप का स्केल, इसके बिना हम लोग मैप को पढ़ नहीं सकते हैं। तो यही सब चीज़ है जो हमें मैप को पढ़ने में हेल्प करता है, और इन सब को ही क्या बोलते हैं? लैंग्वेज ऑफ अ मैप। तो साइंस एंड सिम्बॉल्स क्या है जो हम लोग अभी यहाँ पे देखें? साइंस एंड सिम्बॉल ये तो लैंग्वेज है। मैप्स आर वेरी इंफॉर्मेटिव एज दे शो अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स। मैप जो होता है बहुत इंफॉर्मेटिव होता है, बहुत सारा फीचर दिखाता है वो। इंफॉर्मेटिव मतलब बहुत सारा उसमें इंफॉर्मेशन होता है मैप के अंदर में। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू मेंशन नेम्स ऑफ ऑल रिवर्स, माउंटेन्स एंड सिटीज़। तो ये पॉसिबल नहीं है कि मैप के अंदर में सारे रिवर्स को, सारे माउंटेन्स को, सारे सिटीज़ को दिखा पाना। सो वी यूज़ साइंस एंड सिम्बॉल्स, इसलिए हम लोग उसके बदले में कोई साइंस या सिम्बॉल्स पुट कर देते हैं, ऐसे साइंस दे देते हैं। हॉस्पिटल के लिए ऐसा साइन है ना, हर एक चीज़ के लिए साइन होता है। तो कॉमन साइंस क्या है? कॉमन साइंस एंड सिंबल जो हमेशा कॉमन होता है मैप में वो है टेम्पल। टेम्पल दिखाया ही जाता है कॉमनली, कैपिटल सिटी, ब्रिज, चौक, रिवर, टाउन, इट इज़, ये सब कॉमन है साइंस एंड सिंबल्स में। ये सब यहाँ पे पिक्चर साइंस दिखाया गया है। ये रोड है, ऐसा करके रोड है, और इधर साइन साइन दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे वो मेंशन किया गया, हॉस्पिटल का ये है, स्कूल का ये है, टूरिस्ट एंड इंफॉर्मेशन सेंटर का ये है, पार्किंग का ऐसा होता है, पी लिखा हुआ रहता है, अट्रैक्शन का, होटल का ऐसा रहता है, पार्क का ऐसा रहता है, ये सब सब साइन है। टेम्पल, रिवर है ना, क्रॉसिंग द चौक। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म हुआ, और अभी हम लोग इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चंस देख लेंगे, ठीक है? मैंने इसका क्वेश्चन आंसर्स रेडी कर दिया है। तो अभी वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, और आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए कि आपके नेबर में क्या है, कोई अच्छा, कोई ऐसा लैंडमार्क आपके आपके घर को पहुंचने के लिए क्या लैंडमार्क है, ये आप लोग बताइए। कि आपके घर के पास कुछ क्रिकेट ग्राउंड है, या फिर कोई मंदिर है, या फिर कोई चर्च है, या फिर कोई पोस्ट ऑफिस है, क्या है आपके घर के पास जिसको देख करके आपके घर घर को कोई पहुंच पाए, ठीक है? कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हाँ, तो ये हम लोगों का एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं हम लोग, चैप्टर 3.4 का, मैपिंग आवर नेबरहुड। तो सबसे पहले मैच द फॉलोइंग है, मैच द फॉलोइंग को मैंने कर दिया है, ठीक है? और पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प अस। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े,
स्केल ऑफ मैप कैसे हम लोगों को हेल्प करता है? तो स्केल ऑफ मैप हम लोगों को हेल्प करता है दो पॉइंट्स के बीच में, दो जगहों के बीच में डिस्टेंस कैसा कितना है वो बताता है। द स्केल ऑफ अ मैप हेल्प्स अस टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस। देन व्हाई इज एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस इम्पॉर्टेंट? एस्टिमेट करना, अंदाजा करना, डिस्टेंस का अंदाजा करना कैसे हम इम्पॉर्टेंट होता है, ज़रूरी क्यों है? एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस हेल्प अस टू रीच आवर डेस्टिनेशन ईजिली। हम लोग एस्टिमेशन करते हैं तभी तो हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे इजीली पहुंच सकते हैं। एस्टिमेशन करना बहुत ज़रूरी है। कोई नए जगह पर हम लोग जा रहे हैं तो उसका हम लोग पहले एस्टिमेट करते हैं कि वहाँ पे क्या लैंडमार्क है, कैसे वहाँ पे पहुँचेंगे, कौन सा शॉर्टकट है, ठीक है, कौन सा गाड़ी लेना है। तो ये इसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस, कितना दूरी है उसको एस्टिमेट करना, और हम लोग इससे इजीली अपना डेस्टिनेशन में पहुँच सकते हैं। डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य, जहाँ पर हम लोग को पहुँचना है उसको डेस्टिनेशन बोलते हैं। जैसे हमको मार्केट जाना है तो मार्केट हमारा डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो मार्केट कैसे जाएंगे, घर पे बैठ के हम लोग एस्टिमेट करते हैं ना, तो वही उसी को बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ डिस्टेंस, जो हम लोगों को डेस्टिनेशन इजीली पहुंचाता है। देन है व्हाट इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ मैप? मैप का लैंग्वेज क्या है, हम लोग जस्ट अभी पढ़े। लैंग्वेज ऑफ अ मैप आर द थिंग्स विच हेल्प अस टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मैप, सच एज साइन, सिम्बल्स, कलर्स एंड मैप स्केल्स। तो मैप को पढ़ने में और समझने में जो कुछ भी थिंग्स जो है, ये सारे थिंग्स जो है जो हम लोगों को हेल्प करता है समझने में, पढ़ने में, उसको ही बोला जाता है लैंग्वेज ऑफ द मैप। तो कौन हम लोगों को हेल्प करता है? साइंस, सिंबल्स, कलर्स, मैप स्केल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ मैप? अ मैप इज अ ड्राइंग ऑफ एन एरिया और पार्ट ऑफ इट ऑन सरफेस। सरफेस पे मैप होता है, ठीक है, ड्राइंग होता है ये पेपर पे। मैप शोज डिफरेंट कंट्रीज, रिवर्स, माउंटेन्स, ओशंस, डेजर्ट्स, ईटीसी, ठीक है। मैप व्हाट आर द फोर इंटर कार्डिनल डायरेक्शन? द फोर इंटर कार्डिनल डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। मैंने आपको बताया डायरेक्शन कैसे फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप कॉपी में ऐसे करके फाइंड करना चाहते हैं तो ये अगर आप खड़े हैं, यहाँ पे आपका हेड है और ये है आपका राइट साइड, तो ऊपर में से नॉर्थ होगा, साउथ, और इधर अगर सन उठता है, सन जिधर उगता है उधर ईस्ट होगा आपका राइट हैंड, ईस्ट। तो आपको राइट हैंड इधर करके खड़े हो जाना है और इसके ऑपोजिट में हो जाएगा ईस्ट का ऑपोजिट, राइट हैंड का ऑपोजिट लेफ्ट और ईस्ट का ऑपोजिट आपका वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये डायरेक्शन जो हो जाएगा ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, और इन दोनों के भी ईस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, और साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट हो जाएगा, और साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। तो ये है कहलाता है इंटर कॉन्टिनेंटल डायरेक्शन, ये वाला नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। देन है व्हाट आर फोर कार्डिनल डायरेक्शन? तो कार्डिनल डायरेक्शन ये मेन डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। हाउ कैन यू फाइंड डायरेक्शंस? डायरेक्शंस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं, कर सकते हैं? वी कैन फाइंड डायरेक्शंस बाय स्ट्रेचिंग आवर आर्म्स इन सच अ वे दैट आवर राइट आर्म पॉइंट्स टुवर्ड्स द मॉर्निंग सन, ठीक है। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर इस साइड में मॉर्निंग सन उठता है तो इस साइड में हम लोग राइट हैंड करके खड़े हो जाएंगे, राइट हैंड मेरा इधर रहेगा, लेफ्ट हैंड इधर रहेगा और सामने की तरफ हम देखेंगे, ठीक है। तो इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो वी कैन फाइंड द डायरेक्शन बाय स्ट्रेचिंग आवर आर्म्स इन सच अ वे दैट आवर राइट आर्म पॉइंट्स टुवर्ड्स द मॉर्निंग सन विच इंडिकेट्स, इंडिकेट्स माने जो बताता है, इंडिकेट्स ईस्ट। तो हमारा राइट हैंड क्या बताता है? ईस्ट। आवर लेफ्ट आर्म इंडिकेट्स वेस्ट, हमारा लेफ्ट आर्म क्या बताता है? वेस्ट। नॉर्थ इज इन फ्रंट, और हमारे चेहरे के सामने में जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन होगा? वो नॉर्थ होगा, और जो हमारे चेहरे के पीछे होगा, हमारे बैक साइड में जो डायरेक्शन होगा वो साउथ होगा, ओके। तो ए मैप ऑल्सो शोज डायरेक्शन, और मैप भी जो है वो डायरेक्शन शो करता है, ठीक है। अभी लास्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। वी कैन लोकेट प्लेसेस विद द हेल्प ऑफ लैंडमार्क्स। लैंडमार्क्स के जरिए हम लोग प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि लैंडमार्क जो होता है वो हमारे घर के आमने सामने
कोई ऐसा फेमस जगह होता है, मंदिर होता है, प्लेग्राउंड होता है, क्रिकेट ग्राउंड होता है, कुछ भी पोस्ट ऑफिस होता है, वो लैंडमार्क कहलाता है जिसको देख करके हम आपके घर पहुंच सकते हैं। अ स्केच इज अ रफ पिक्चर ड्रॉन टू शो द वे टू रीच सर्टन प्लेस। स्केच जो है एक रफ पिक्चर है, अगर रफ पिक्चर नहीं रहता तो वो मैप हो जाता है, ठीक है। स्केच हम लोग रफली ऐसे ड्रॉ करते हैं कोई डायरेक्शन को दिखाने के लिए। साइन एंड सिम्बॉल्स सेव स्पेस ऑन मैप। मैप जो होता है, मैप में सारे चीज़ हम लोग सारे रिवर्स माउंटेन्स ये सब नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि उतना जगह नहीं होता है, इसलिए हम लोग उसके जगह पे साइंस और सिम्बॉल्स यूज़ करते हैं, उसके जगह पे निशान यूज़ करते हैं और सिम्बॉल यूज़ करते हैं। मैप हेल्प अस टू फाइंड आवर वे टू द डेस्टिनेशन ईजिली। मैप हम लोगों को अपने डेस्टिनेशन पे ईजिली पहुँचा देता है। डेस्टिनेशन मतलब लक्ष्य, जहाँ हम लोगों को पहुँचना है। तो ये चैप्टर पूरा हुआ फ्रेंड्स। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपके घर के पास कौन सा लैंडमार्क है जिसके थ्रू कोई आपके घर को पहुंच पाए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।